गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आज की कक्षा में हमारे उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपने अपनी पिछली कक्षाओं में देश के सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है। आज हम और भी थोड़े विस्तृत ढंग से ये समझने का प्रयास करेंगे कि उच्चतम न्यायालय की का गठन उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं और किस प्रकार से हमारे संविधान में भूमिका अदा करता है। ये सभी कुछ हम आज की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको घर बैठे मिले और अपने ज्ञान का फायदा उठाइए। देखिए मैं आपको कुछ हमारे संविधान में लिखित उपबंध का उल्लेख कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि संविधान के भाग पाँच में उसके अंतर्गत अध्याय 4 है जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक जो उल्लेख है उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको स्पष्ट तौर पे ये समझना है कि संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे देश की न्यायपालिका का हमारे देश की सर्वोच्च अदालत का उल्लेख किया गया है, विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आपको किसी प्रकार का बिना कन्फ्यूजन किए एक एक करके हमको आगे बढ़ना है और समझना है। बात स्पष्ट हुई, संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक इसमें हमारे उच्चतम न्यायालय का गठन उनकी शक्तियाँ के बारे में पूरा विभिन्न संवैधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट हुआ? देखिए हम संविधान में लिखित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करने से पहले हम कुछ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना जरूरी आवश्यक समझेंगे क्योंकि ये सब समझने के बाद में आपको आगे के जो भी संविधान में प्रावधान है वो अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। क्योंकि ये जरूरी होता है कि जिस किसी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसकी पूर्व ज्ञान हमें बेहद अति आवश्यक है। तो हमारा जो इसका सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको एक बार पुनः समझते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से अपना टॉपिक समझ में आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए आप सभी को पता है कि हमारा भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वो भी 200 वर्षों से अधिक लंबे काल तक भारत में शासन रहा। आप देखेंगे कि पहले कंपनी का शासन था लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष तौर पर शासन स्थापित हो गया जो 1947 तक चलता रहा। अब ये समय समय पर विभिन्न लगभग 10 साल 15 साल के अंतराल में विभिन्न प्रकार के शासन अधिनियम आते थे अर्थात एक्ट लाते थे। कौन लाते थे? अंग्रेज लाते थे। तो अंग्रेजों द्वारा विभिन्न जो एक्ट लाए गए उन एक्ट के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था चला करते थे। तो ऐसे करते करते आपने कक्षा 11 में भारत शासन अधिनियम 1935 जरूर पढ़ के आए, आप सभी को पता है। आपने कक्षा 11 में भारत शासन अधिनियम 1935 सभी पढ़े, आप उसके बारे में वाकिफ हो, इसलिए आपके लिए ये कोई मतलब बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है क्योंकि आपने गत साल पढ़ी। तो आपने देखा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें एक उल्लेख ये भी किया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये था कि नहीं था? बिल्कुल, आपने हम सभी ने पिछले साल ये पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें ये प्रावधान था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान था। तो देखिए 1935 में भारत में जो भारत शासन अधिनियम आया और उसमें बिल्कुल प्रावधान था कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी तो बिल्कुल की गई थी। लेकिन उस समय भारत गुलाम था, भारत ब्रिटिशों के अधीन था, इसलिए हम भारतीयों की कोई ताकत उसमें नहीं थी। इस फेडरल कोर्ट में इस संघीय न्यायालय में जो भी निर्णय होते थे वो अंतिम और निर्णय उसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जाती थी, ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। अब देखिए
संघीय न्यायालय स्थापित जरूर है भारत में, लेकिन अंतिम नहीं है। अंतिम नहीं है क्योंकि इस संघीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उस निर्णय की आगे की जो अपील है वो ब्रिटेन में की जा सकती थी। तो फुल एंड फाइनल हमारा ये संघीय न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसकी आगे बिल्कुल अपील की जा सकती थी, ठीक है। लेकिन देखिए आप, हमारा देश धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते 1947 में स्वतंत्र हो गया, गुलामी से मुक्त हो गया। आज हमारा आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत। और आपको पता होगा कि इसी समय स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे देश की संविधान सभा, जो देश के लिए संप्रभु संविधान का निर्माण कर रही थी, हमारे देश के संविधान का निर्माण कर रही थी, और वो संविधान बिल्कुल स्वतंत्र और संप्रभुता से संपन्न था। अर्थात हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम किसी के डोमिनियन स्टेट नहीं हैं, हम पूरी तरह से एक स्वतंत्र भारत गणराज्य के रूप में बनने जा रहे हैं, स्थापित होने जा रहे हैं। भारत अपने आंतरिक और भारत अपने बाह्य क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र है, भारत किसी का गुलाम नहीं है। अब भारत जो भी करेगा वो भारत अपने अनुकूल करेगा और अपने देश के नागरिकों हितों के अनुकूल करेगा। भारत अब किसी भी अन्य समझौते, अन्य संध्या किसी के लिए बाध्य नहीं है। जो भी उसको उचित लगेगा अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में, जो भी उसके हितों के अनुकूल, ऐसा काम करेगा। और आप सभी को पता है कि हमारे संविधान बिल्कुल कंप्लीट तौर पे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया हमारे भारत का संविधान लागू हो गया। सभी को पता है 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश का संविधान लागू हो गया, एक संप्रभु भारत गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर आपको पता है कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अब न्यायालय की स्थापना करनी भी जरूरी थी कि भाई हमने प्रावधान कर दिया, कैसे क्या करें। तब सोचा कि भाई हमारा जो 1935 में भारत शासन अधिनियम से जो संघीय न्यायालय स्थापित किया था ना, उसी को भारत का सुप्रीम कोर्ट क्यों ना बना दिया जाए। तो फिर ये लगभग तय हो ही चुका था। तो हमारे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को, उस समय लगभग ये निर्णय ले लिया था। फिर 26 जनवरी को देश का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। फिर 28 जनवरी 1950 के दिन इसी संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उद्घाटन कर दिया गया। यानी संघीय न्यायालय का जो भवन बना हुआ था, जो हमारा भवन बना हुआ था संघीय न्यायालय का, उसी को ही हमने देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, शब्दों में बड़ा जोर है भाई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही बात है, यह देश का सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक ही शब्द है, का उद्घाटन कर दिया गया। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का बर्थडे कब आता है, 28 जनवरी 1950 को, यानी उस दिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। बात समझ में आई, स्थापना की गई थी। अब देखो, अब आपके दिमाग में से संघीय न्यायालय भूल जाओ, ठीक है हमने उसी भवन को रखा है, लेकिन अब हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बिल्कुल सर्वोच्च है, बिल्कुल उच्चतम है। अब इसने जो निर्णय दे दिया वो फुल एंड फाइनल है, कंप्लीट फाइनल है, दुनिया की किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, स्पष्ट तौर पर समझ लो। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम कोर्ट न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो अंतिम है, ठीक है। ये किसी भी अन्य एजेंसी, अन्य किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। ये हमारा 28 जनवरी 1950 के दिन उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। बात स्पष्ट हुई, समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक प्रश्न ये बनता है कि हमारे देश में न्यायपालिका के जो स्तर है किस प्रकार से क्या है। देखो, आप सभी को पता है हमारे देश में जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमारे सामने कई विकल्प थे। क्या हम अमेरिका की तरह, जहां पर न्यायपालिका काफी शक्ति संपन्न है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसी मॉडल को स्वीकार करें, या फिर हम ब्रिटेन की तरह, क्योंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वहां की न्यायपालिका के पास शक्तियां नगण्य हैं अर्थात नाम मात्र की हैं,
क्योंकि हम हमारे इस मॉडल के रूप में हम ब्रिटेन के काफी नजदीक थे, संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया था, जिसमें संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र वास्तविक सत्ताधारी दो अलग अलग होते हैं, और ये मन पूरी पूरी हमारी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार में जो मॉडल था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, तो हमारे लिए बड़ा प्रश्न था। लेकिन समस्या ये थी कि अगर हम संसदीय व्यवस्था को अपना लें, और कल्पना कीजिए कि संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिल गया, और पूर्ण बहुमत मिलने के आपस में अगर वो संविधान के साथ खिलवाड़ करने लग जाए, तो संविधान को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दे, तो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तब क्या करें? फिर एक अमरीकी मॉडल की तरफ सोचा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी ताकत है, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दे दी तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना खुद के कार्य भूलकर हमारे व्यवस्थापिका के, हमारे कार्यपालिका के काम करने लग गया, तो ये तो उत्तरदायित्वहीन हो जाएगा। तो क्या करें? इस परिस्थिति से, इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का मार्ग अपनाया, यानी नियंत्रण और संतुलन, कंट्रोल और बैलेंस, यानी इस प्रकार से मॉडल को स्वीकार किया कि जिसमें न तो हमारे संसद कभी तानाशाह बन सकती है और न हमारा सुप्रीम कोर्ट कभी तानाशाह बनने की या फिर व्यवस्थापिका की भूमिका निभाने की कोशिश करें, एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन दोनों बराबर रखने का काम करेंगे, समन्वयकारी मॉडल बनाने का, मतलब काम करने का तरीका ईजाद करेंगे। इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए हमने ये सब कुछ लागू किया। एक तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह नहीं है कि वहाँ पर राज्यों का अलग अपने कोर्ट हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फेडरल कोर्ट है, सबका अलग अलग व्यवस्था, तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। हमारे यहाँ पर जो एक हायरार्की बनी हुई है, एक जो श्रेणी बनी हुई है, एक जो स्तर बना हुआ है, वो ये है कि देश में सबसे सर्वोच्च स्तर पर है उच्चतम न्यायालय, जो भारत का एक है, पूरे भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है। फिर उसके नियंत्रण में, उसके अधीन है जो, वो है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। आज देश में 25 हाई कोर्ट है, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। फिर उसके अधीन आते हैं हमारे लोअर कोर्ट, जिसको जिला न्यायालय अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के नाम से समझ सकते हैं, और इसमें भी अपन देखेंगे दो तीन श्रेणी आती है, बिल्कुल निचले स्तर की होती है वो मुंसिप कोर्ट होता है, मुंसिप न्यायालय, कनिष्ठ कनिष्ठ इस प्रकार से, जिला सत्र न्यायालय इस प्रकार से, ये अलग अलग इसमें रूप होते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की कड़ी से ऊपर की कड़ी सब मिली हुई है, अपने आप में कुछ सेपरेट नहीं है, कुछ स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले दिए हैं, जो भी निर्णय दे दिया है, वो सभी हाई कोर्ट को मानना अनिवार्य होता है, अर्थात अगर उसी प्रकार का कोई मामला हो तो फिर हाई कोर्ट भी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय की पालना करते हुए उसके समान ही अपना फैसला देगा। हाई कोर्ट को ये ताकत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाए या सुप्रीम कोर्ट से उलट कुछ करे, नहीं, क्योंकि इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, जो फैसला दिया है वो सब पूरी पूरी भूमिका, मतलब हमारे हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सब कुछ उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बात समझ में आई आपको कि भारत में एकीकृत ढांचा है और उसमें सर्वोच्च स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसमें हाई कोर्ट है, फिर उसमें जिला न्यायालय, पूरा पूरा है, ये बात स्पष्ट हुई। अब एक प्रश्न हमारे यहाँ दिमाग में पैदा होता है कि आखिर हमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की इतनी आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति देने की आवश्यकता क्यों है। देखो, एक बात स्पष्ट है, आप सभी को पता है कि हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया था, क्या है, और इस संविधान में जो भी प्रावधान है, भारत एक विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न मत समुदायों संप्रदायों वाला देश है, स्वाभाविक है कि समय के साथ किसी प्रकार की कोई भी सरकार संविधान में लिखित उपबंध या प्रावधानों को मानने से इनकार कर दे, तो संविधान में यकीन नहीं करे, तो संविधान का उल्लंघन करे, तो संविधान का अतिक्रमण करे, तो इन तो का जवाब क्या होगा, कौन रोकेगा?
और पूर्ण बहुमत मिल गया, जो भी संविधान में संशोधन करना है, मानना न मानना, जो भी उसको तानाशाही करने पर उतारू आ जाए, रोकेगा कौन? इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे न्याय मतलब हमारी जो संविधान सभा है उसने पूरी पूरी जिम्मेदारी दे रखी है हमारी न्यायपालिका को, कि हमारी न्यायपालिका ही हमारे संविधान की रक्षक होगी। संविधान की रक्षा करने वाली कौन होगी? न्यायपालिका। इसलिए संविधान का रक्षक न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे न्यायपालिका की रक्षा सॉरी संविधान की रक्षा करेंगे। बात स्पष्ट हुई कि अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ जाती है, संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का अतिक्रमण करती है, तो बिल्कुल उसको बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारे देश की सर्वोच्च विधि और हमारे देश की सर्वोच्च कानून कोई है तो वो हमारा संविधान है। संविधान में जो भी उपबंध प्रावधान किए हैं उनकी अवहेलना, उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सरकार को भी उसी समय तक अपना कार्य करना सही रहेगा जब तक वो संविधान की पालन करता रहेगी। आई बात समझ में? ये आपको स्पष्ट समझना है कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? हमारी सर्वोच्च अदालत के पास। अगली बात करें तो संघात्मक व्यवस्था। देखिए भारत में, भारत पूर्ण रूप से न तो संघात्मक है और न एकात्मक है, लेकिन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। जैसे समझते हैं लिखित संविधान है, हमारी शक्तियों का विभाजन किया गया है, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, हमारे यहाँ पर जो राज्यों का सदन है वो राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है, ये सब ये प्राय एक संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में पाया जाता है और आपको पता है ये सब भारत में है। तो इस संघात्मक व्यवस्था के ढांचे को सही रूप से बना रहे, इसको बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण जो एक जिम्मेदारी है वो भी किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। पहली बात स्पष्ट हुई। दूसरा आप देखेंगे कि अगर राज्यों का केंद्र के साथ या केंद्र का एक से अधिक राज्यों के साथ कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को सुलझाने का काम भी कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो संविधानिक मतलब संघात्मक व्यवस्था के रक्षक की भूमिका भी कौन निभाता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों की रक्षा। पिछले 1000 साल से अधिक समय से हम गुलाम रहे और 200 वर्षों से वैदिक शासन अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमारे पर शोषण, अत्याचार और पतित अवस्था में हम सबको ले गए, तो हमारी संविधान सभा के सदस्यों को पता था कि जो ही हम संविधान को लागू करेंगे और हमारे देश के नागरिक को हम मौलिक अधिकार देंगे, अपने जीवन के संपूर्ण चहुमुखी विकास के लिए हम उनको मौलिक अधिकार देंगे और वो अधिकार ऐसे होंगे कि राज्य भी चाहे तो उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी न्यायपालिका है, हमारी सर्वोच्च अदालत है, वो इसकी रक्षा करेगा कि कोई भी सरकार, व्यक्ति, एजेंसी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है उसमें जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत 32 के तहत हमारे संविधान में जो है उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका उसकी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आई बात समझ में? तो आप समझ गए कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता इसलिए है, एक तो हमारे संविधान की रक्षा की जा सके, हमारे संघात्मक व्यवस्था की रक्षा की जा सके और हमारे देश में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। इन सभी कारणों से की वजह से हमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय की बेहद आवश्यकता है। तो ये हमने समझा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की क्यों आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने आज इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा, स्पष्ट किया कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद में अब हम आगे की कक्षा में स्पष्ट करेंगे कि हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय के संबंध में गठन में क्या क्या प्रावधान है।